उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस वॉलंटियर के एक बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप पुलिस की एक मजबूत कड़ी है जिसके माध्यम से हम दूर दराजों के इलाके से छोटी जानकारी भी आसानी से मिलती है। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस वॉलंटियर ग्रुप के सदस्यों के साथ अपने कुछ अनुभव भी साझा किए और 5 वॉलंटियर ग्रुप के सदस्यों को प्रसारित पत्र देकर सम्मानित भी किया। अपनी रिकमेंडेशन दी है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर ये तय करें कि इन कानूनों को कैसे हम और कड़ाई से पालन करवाएं ताकि इन अभियुक्तों को जो जुआ अधिनियम में या शराब में है उन सबों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सर, अयोध्या को लेकर क्या तैयारी, अयोध्या का फैसला आ रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी? अयोध्या के बारे में मैं बता दूं कि हमारी पूरी तैयारी है, पूरा प्रदेश जो है वो सतर्क है। हमने फुट पेट्रोलिंग के जरिए, पीस कमेटी के मीटिंग्स के जरिए हमने चैतन्यता बरकरार रखा है। हमने सभी पुलिस अधीक्षकों को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया है कि समुदाय से, जनता से संपर्क बनाए रखें और किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। हमने पूरी कर्मठता के साथ और पूरे व्यापक तौर पर प्रदेश के कोने कोने में हम निगरानी रख रहे हैं। हमने अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयरअप कर रखा है। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे पुलिसकर्मी जगह जगह पर सब पर नज़र रखे हुए हैं और यदि ज़रूरत होगी तो हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा सकते हैं उन अपराधियों के विरुद्ध या उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो किसी भी तरह से इस वातावरण को दूषित करने वाले हैं। सर, पुलिसकर्मी तो हमारी पूरी सतर्क दृष्टि है उससे। सर, पुलिसकर्मियों की काउंसलिंग के लिए जो है कुछ जैसे हरदोई में भी है और फैमिली काउंसलिंग की जाती है और इसको भी हम और करेंगे ताकि स्ट्रेस लेवल अगर हो, हालांकि यहाँ स्ट्रेस लेवल जो हमारे पुलिसकर्मियों का है वो घरेलू कारणों से है न कि व्यावसायिक कारणों से, उस पर हम ध्यान दें।